नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक सपोर्ट पर। दोस्तों, अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेजेस में BA, BSc, BCom सेमेस्टर 4 सेशन 21-24 के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बता दिया था कि आप सभी का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। वह कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी पूरी डिटेल्स पिछले वीडियो में मैं दे चुका हूँ। यह वीडियो आपको यह बताने के लिए मैंने बना रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आप सभी का एग्जाम डेट भी आ गया है। अब दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो पे फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ कि आपका एग्जाम कब से होने वाला है, कब से कब तक होगा, कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होने वाला है। ये सभी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो पे बताने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो का मेन मोटिव है एग्जाम नोटिस के बारे में बताना। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट तक, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी बंद है और यूनिवर्सिटी अभी 22 से पहले नहीं ओपन होने वाली है, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट। दोस्तों, अगर आप रांची यूनिवर्सिटी में BA, BSc, BCom सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आप सभी का एग्जाम नोटिस आ गया है। एग्जाम डेट भी जारी कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, या पिछले कुछ दिनों पहले ही इसका नोटिस आ गया था, लेकिन मैं इस वीडियो को बनाने में थोड़ी लेट इसलिए किया क्योंकि बीच में फेस्टिवल था, फेस्टिवल के कारण मैं आप सभी के बीच नहीं आ पाया हूं। लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम नोटिस जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एग्जाम नोटिस हम जान लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रांची यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिस जारी हो चुका है। This is to notify that for information to all concerned that the examination program for BA, BSc, BCom semester 4 session है 21-24 से regular vocational यानी सभी का होगा एग्जाम। अब एग्जाम का जो फर्स्ट डेट है यानी एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है 1 दिसंबर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 दिसंबर फ्राइडे के डे हो रहा है। उसका फर्स्ट सीटिंग होगा 9 से 12 यानी 3 घंटा का होगा, जिसमें कोर यानी आपका 8वां पेपर जो उसका एग्जाम होने वाला है उसमें सिर्फ ये लैंग्वेज पेपर होगा। फर्स्ट डे में हिंदी, उर्दू, बंगाली, संस्कृत ट्रिपल लैंग्वेज है, फिर इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस भी होगा, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, फिजियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। ये एग्जाम होगा आपका फर्स्ट सीटिंग में अभी 1 दिसंबर को, और सेकंड सीटिंग में होगा इंडेक्ट टैक्स यानी कि जो कॉमर्स वालों का है उन लोगों का, साथ में आर्ट्स वालों का भी होगा, तो उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिलोसॉफी और होम साइंस है। और उसमें उसी दिन आपका वोकेशनल कोर्स का भी होने वाला है। वोकेशनल कोर्स में रहता है IIT, CA, BBA, मास कॉम, FD, बायोटेक एंड वाटर रिसोर्स। और उसका भी आपके बीच में मतलब कोई भी गैप नहीं है, कोई भी डेट का गैप नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक के बाद आपका सडनली 2 दिसंबर को भी एग्जाम है, सैटरडे को भी, उस दिन आपका 9वां पेपर होगा। उस दिन 9वां पेपर जो होगा वो कोर का ही है, हिंदी उर्दू, यानी कि सेम डे होगा आपका। कोई भी मतलब इसमें एक गैपिंग नहीं दिया गया है, आपको आराम करने का या फिर पढ़ने का मौका नहीं, इसलिए आप सभी अभी तैयारी कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड में भी आपका जो सेकंड सिटिंग में उसमें कॉर्पोरेट अकाउंट यानी कि आर्ट्स साइंस सभी का एक साथ होने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, और जियोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी फिलोसॉफी होम साइंस है, और वोकेशनल कोर्स का भी साथ में एग्जाम है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक दिन का आपको गैप मिलेगा क्योंकि बीच में संडे है, सैटरडे के बाद संडे इसमें गैप है, इसीलिए संडे को छोड़ के आपका फिर से मंडे यानी कि 4 दिसंबर को फिर से आपका एग्जाम होने वाला है। वह होगा कोर 10 का यानी कि 3rd पेपर का होगा, आपका जो 10वां पेपर है यानी कि सेमेस्टर 4 का 3rd पेपर, और अगर पूरे सेमेस्टर का लेके चले तो 10 पेपर होता है यानी 10वां पेपर का आपका एग्जाम होगा। उसमें सेम चीज़ है, उसमें भी लैंग्वेज पेपर होगा, सभी चीज़ यहाँ पे दिखा देख सकते हैं। उसके बाद आपका सेकंड सिटिंग में भी होगा कंप्यूटर ऐप यानी कि पूरा बिजनेस स्टडी है, BA कॉमर्स साइंस और आर्ट्स दोनों का मिला के। उसके बाद आपको सडनली फिर 5 को होगा एग्जाम, 5 को फर्स्ट सिटिंग में किसी का एग्जाम नहीं है। उसके बाद सेकंड सिटिंग में जनरल इलेक्टिव है यानी जनरल इलेक्टिव सेमेस्टर 4 का होगा, उसमें फेसियोलॉजी है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, आर्ट्स साइंस दोनों का है, जो दोनों में आता है जो होम साइंस और मैथमेटिक्स, उसमें बैंकिंग है, ज्योग्राफी है और एंथ्रोपोलॉजी है जो आर्ट्स एंड साइंस दोनों में आता है। यहाँ पे एक देख सकते हैं जो DSC D है जनरल, तो DSC D का मतलब ऐसे समझने की जरूरत नहीं है, अगर आपका जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो आपको ये देना है, अगर नहीं है तो ऐसे कोई मान्य नहीं है, लेकिन अगर आपका है जनरल इलेक्टिव में तो आपको देना ही होगा ये एग्जाम। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सडनली आपका नेक्स्ट डे वेडनेसडे को यानी कि 6 दिसंबर को आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स होगा, जिसमें साइंस ऑनर्स है, जनरल एंड एंटरप्रेन्योरशिप है BCom ऑनर्स का, और ऑफिस मैनेजमेंट है BCom जनरल पेपर होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड सिटिंग में फिर जनरल इलेक्टिव है, जनरल इलेक्टिव में फिजिक्स इंडियन इकोनॉमी है और कोस्ट अकाउंटिंग पॉलिटिकल साइंस। अगर यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होता है ये जो पॉलिटिकल साइंस है, यहाँ पे देख सकते जिसका जिसका जनरल इलेक्टिव में अगर पॉलिटिकल साइंस है तो वह ये एग्जाम देंगे, लेकिन इलेक्टिव्स अगर नहीं है तो उसे आवश्यकता नहीं है। ये मत सोचिए कि ये हमारा ऑनर्स पेपर होगा, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इलेक्टिव पेपर है।
उसके बाद सडनली नेक्स्ट डे आपका थर्सडे को कोई भी एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में नहीं है, सेकंड सिटिंग में आपका जनरल इलेक्टिव होगा, जिसका जिसका है उसे देना होगा। जनरल इलेक्टिव में संस्कृत, उर्दू, जियोलॉजी, इकोनॉमिक, टैक्स लॉ, बंगाली और फिलोसॉफी है। अगर जिसका जनरल में लैंग्वेज पेपर रखे हैं अलग से संस्कृत उर्दू, तो उसका एग्जाम है सेकंड सिटिंग में होगा, यानी थर्सडे को 7 दिसंबर को। उसके बाद सडनली नेक्स्ट डे आपका 8 दिसंबर यहाँ पे देख सकते हैं स्किल इनहेंसमेंट कोर्स होगा वोकेशनल के लिए। उसके बाद सेकंड सिटिंग में फिर से जनरल इलेक्टिव है। फिर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 9 दिसंबर को भी स्किल इनहेंसमेंट टैक्स, ये जिसका है उसे देना है, अगर नहीं है तो उसे कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे दो दिया है, जिसका है उसे ही देना होगा। फिर जनरल इलेक्टिव में है जियोलॉजी और हिस्ट्री, जिसका जिसका जो भी सब्जेक्ट है जनरल इलेक्टिव में उसे एग्जाम देना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सिटिंग सेकंड सिटिंग में। और जिसका स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है ये यहाँ पे है, वो जो फर्स्ट सिटिंग में देना होगा। यहाँ पे आपको कोई भी डेट का गैप ही नहीं है, आपको डेली आपको रेगुलर एग्जाम देना है। अब दोस्तों अगर इस रूटीन में आपको कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी पॉइंट अगर समझ में ना आए तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपको मैं कमेंट में ही एक जवाब देके आपका सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पिछले दिनों से मैं एनालिसिस कर रहा हूं और देख रहा हूं कि मेरे वीडियो को देखने वाले 100% में से सिर्फ और सिर्फ 9% ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उसमें भी बहुत कम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम 50% चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद, ताकि मैं आप सभी के साथ जुड़ सकूं और आप सभी को एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी दीपावली।